हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सो सभी लोग अच्छे होंगे तो यार देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक और नई कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट के बारे में एंड ये जो आपकी अपडेट है काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये मेन कैंपस की कट ऑफ से रिलेटेड है साथ ही साथ देखिए आप लोग बीए ए के, के कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो बी ए के कट ऑफ वाले अभी रुक जाइए कट ऑफ अगर बी की आ रही है तो बी की भी आएगी क्योंकि अभी लगभग साढ़े सीट्स आपकी बची हुई है मेन कैंपस में तो अभी एक एक जो आपकी कट ऑफ है आने के पूरे पूरे चांसेज हैं तो अब देखिए देख लेते हैं आपकी किस कोर्स की कट ऑफ आई ये किस कोर्स की कट ऑफ आई है आपकी बीएससी की कट ऑफ आई है बीएससी मैथमेटिक्स एंड बीएससी बायो तो इन दोनों कोर्सेज की आपकी जो है कट ऑफ को रिलीज किया गया है जिनका आसार भी नहीं था आने का एंड उन कट ऑफ को रिलीज किया गया है हो सकता है कुछ एडमिशनस कैंसिल हुए हों उसके चक्कर में आपकी जो है बीएससी बायो की कट ऑफ भी आई है एंड बीएससी मैथ्स के तो थोड़े बहुत चांसेस थे भी तो उसकी भी कट ऑफ आई है आपकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बीएससी बायो के साथ कि बीएससी बायो में आपकी क्या कट ऑफ आई है तो उससे पहले सबसे आ, उससे पहले जान लेते हैं आपका जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है तो काउंसलिंग आपको बेसिकली पाँच तारीख को करानी है पाँच तारीख की सुबह साढ़े सात बजे से यानी कि कल सुबह साढ़े सात बजे से लेकर आप जो है अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं छः तारीख की सुबह साढ़े बजे तक तो आपको यह दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का जो भी है टाइम उसके बाद आपका जो है छः तारीख की सुबह साढ़े बजे से लेकर आपका जो है शाम बजे तक आपकी जो है काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट की प्रोसेस चलेगी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा आ, फीस सबमिशन का प्रोसेस तो फीस सबमिशन आप कब से कब तक कर सकते हैं पाँच तारीख की सॉरी छ तारीख की शाम पाँच बजे से लेके सात तारीख की शाम पांच बजे तक आप जो है फीस को सबमिट कर सकते हैं अपना बाकी अब देख लेते हैं ये हो गया आपका काउंसलिंग शेड्यूल इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका बीएससी बायो की कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं तो बी एस बायो में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आ रही है यू की जो आपकी कट ऑफ है वो है आपकी 528 एंड अवर मार्क्स साथ ही साथ जो आपकी बी एस बायो में ई कैटेगरी की कट ऑफ है वो है आपकी 434 मार्क्स एंड ओ की जो आपकी कट ऑफ है वो है आपकी 440 मार्क्स यानी कि 440 नंबर आपकी कट ऑफ आ रही है उसके बाद एस सी कैटेगरी की कट ऑफ और आई है वो है आपकी थ्री मार्क्स यानी कि तीन नंबर आपकी जो है बी एस सी बायो की कट ऑफ है तो ये हो गया आपका बी एस सी बायो अब देख लेते हैं आपका बी एस सी मैथमेटिक्स में क्या सीन रहने वाला है तो आपका बात करें अगर काउंसलिंग शेड्यूल की तो आपका सेम रहेगा काउंसलिंग शेड्यूल एज़ बी एस सी बायो उसके साथ साथ आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आई है एस टी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ नहीं आई है अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी पाँच सौ ग्यारह नंबर उसके फिर देखिए ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की कट ऑफ है आपकी चार सौ छियालीस नंबर यानी कि फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स मार्क्स आई है आपकी ओ बी सी कैटेगरी की सॉरी ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है आपकी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एट मार्क्स यानी कि चार सौ अड़तालीस नंबर अगर आपके हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं अपना मेन कैंपस में एंड एस कैटेगरी का देखें तो यहाँ जो आपकी कट ऑफ है वो है आपकी तीन नंबर तो यही थी आपकी पूरी कट ऑफ जिसका लग भी नहीं रहा था हमको कि कट ऑफ़ आएगी बट कट ऑफ़ को रिलीज़ कर दिया गया है तो अगर आपने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है तो आप क्या करिए अपना एडमिशन वहां से कैंसिल कराइए एंड एडमिशन कैंसिल कराने के बाद क्योंकि फ़ीस रिफंड का मत सोचिए क्योंकि आपको मेन कैंपस में अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप उसको उसको नहीं छोड़ना चाहिए तो यही कहूंगी कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो अपना जो है एडमिशन को सिक्योर कर लीजिए मेन कैंपस में वहां से कैंसिल के आपको भी मेन कैंपस में अपना एडमिशन लेना है सो so, इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे यू विद मी